सतवारी चौक में एक दुकान में आग लग गई, और जिस दुकान पर आग लगी है मैं बिल्कुल वहां पर हूँ। सतवारी चौक में ही ये दुकान है। थोड़ा सा अगर आपको घुमा के दिखाया जाए तो ये सतवारी चौक है। यहाँ पर गुप्ता पैलेस सामने, वो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर गुप्ता पैलेस है। गुप्ता पैलेस के बिल्कुल नीचे ये एक दुकान थी, गणपति कलेक्शन के नाम से, रेडीमेड, शायद रेडीमेड की दुकान थी। लेडीज ड्रेसेस भी यहाँ पर रखते थे, गारमेंट्स थे, और भी कुछ और भी सामान ये लोग यहाँ पर रखते थे। लेकिन ये दुकान जो है वो जलकर खाक चीज नहीं है। जहाँ पर अंदर देखकर आपको लगे कि ये बच गई, ये आग लगभग जो हमें जानकारी दी, लगभग जो जो हमें जानकारी दी गई है कि 3:30 बजे आग लगी है, और इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गुप्ता पैलेस के नीचे ये दुकान है, और इस दुकान के मालिक से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो क्या कहते हैं, और ऊपर गुप्ता पैलेस को क्या नुकसान हुआ है नहीं हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। आप अच्छा, मुझे आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम संजय गुप्ता। अच्छा संजय जी, ये आपकी दुकान थी? हाँ जी, मेरी दुकान थी। अच्छा, थोड़ा जानकारी दें कि कैसे आग लगी, क्या हुआ? मैं घर में, मेरा दुकान के पीछे घर है। अच्छा, तो ये पीसीआर गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है, पीसीआर गाड़ी किसी बंदे को भेजा मेरे घर में, रात को 3 बजे, 3 के प्लस टाइम होगा, 3:30-4 बजे के बीच की बात है। अच्छा। तो मेरे घर में बंदा आया, उसने लॉक किया, गेट लॉक किया मेरा, तो उसने बोला बाहर तुम्हारी दुकानों को आग लग गई। अच्छा। मैं भागता हुआ बाहर आया, बाहर आके मैंने जब देखा तो दुकान को धुआं निकल रहा था, काफी धुआं जो निकल रहा था, तो उस समय धुआं निकल रहा था। पीसीआर वाले भी, पुलिस मेरे साथ, पीसीआर वाले इधर खड़े थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की नलायकी से जो हमने फायर ब्रिगेड को, जहाँ से गंगाल वाला भी 2 किलोमीटर होगा, तो कैमरे की तरफ एक बार थोड़ा घूम जाए। हाँ, गंगयाल वाला भी 2 किलोमीटर होगा, तो बहु अपना ग्रीन बेल्ट पार्क वाला भी 2-3 किलोमीटर होगा। इन्होंने कम से कम भी मेरे जो अपनी फोन डिटेल से, इन्होंने 45 मिनट लगाए इस फौरी पहुंचते जल्दी, जो 2 से 3 मिनट लगने चाहिए थे। तो सोए होंगे, शायद सोए होंगे। पीसीआर वालों ने जब आपको बुलाया, आपके पास उन्होंने भी फोन किया उनको। अच्छा। मैंने भी फोन किए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, फिर हमने सोचा कि इन्हों हम खुद चलते हैं वहाँ पे, इनको लेके आते हैं। उनके आने एक चार दुकानें दो एक दो दुकानों के आगे दो दुकानें और है पाइन शॉप की, आप देखिए इसकी क्या हालत हुई दुकान की, पाइन शॉप की, और लेंटर तक फट गया। इतनी भयंकर आग थी, अगर फायर ब्रिगेड जल्दी टाइम से आता शायद हमारा भी कोई सामान बच जाता, जो दुकानें या आगे इनका बिजली का नुकसान या किसी का जो नुकसान हुआ। हम ये कहेंगे गनीमत है कि वो दुकानें अब बच गई, वो किस्मत से बच गई, बाकी फायर ब्रिगेड की वजह से नहीं बची। मुझे ये जानकारी दें कि ये दुकान का पहले तो नाम बता दें, आपके नाम पर थी ये दुकान? हाँ, मेरे नाम पे दुकान। दुकान का क्या नाम था? गणपति के लक्ष्मी। क्या क्या सामान था इसमें? लेडी सूट थे, लेडी सूट का काम ज्यादा था, रेडीमेड गारमेंट्स था, पिल्लो थे, चादर थी, पिल्लो चतरे भी थी, पिल्लो चतरे भी थी इसमें, और बस यही सामान था। सारा जल गया। एक बार दिखाओ यहाँ पर, कुछ तो ड्रेस दिख रहे हैं लेडीज के, ये देखो ये क्या बन गए हैं। ये देखिए आप, अंदर देख लीजिए सारा जल के, फर्नीचर साथ में, जो फर्नीचर मेरा सारा जल के आपने देख रहे हो, नुकसान हो गया इसमें। अनबेटर बैटरी जो भी था, एक छोटा फ्रिज था मेरा पीछे लगा हुआ, वो भी जल गया। ये लॉक है जिसमें हम पैसे डालते हैं, उसकी हालत देखिए क्या होगी। ये लॉकर है? ये लॉकर है? हाँ, लॉकर था ये, गल्ला जिसमें हम पैसे डाल में, इसमें कोई थोड़ी थोड़े पैसे थे, कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, 200-400 रुपया होगा। हम कैश छोड़ते नहीं, जब से जम्मू में चोरियां होने लगी हम कैश छोड़ना बंद कर दिया। जब से चोरियां हो रही हैं तो आप भी थोड़े से सतर्क हो गए? हमने भी गले में कैश रखना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ जी,
फिर आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है पीछे। शॉर्ट सर्किट से कोई किसी की दुश्मनी तो नहीं? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। चारों साइड से लॉक होता है, दुश्मनी किससे होनी है जी? शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? मतलब आपको पहले भी यहाँ शॉर्ट सर्किट होता था? पीछे जो हमारी डिप्की थी वहाँ कुछ दिन पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, हमने ठीक करवाया, फिर रात को हो गए, दोबारा हो गया होगा, ठीक करवाया उससे पीछे पीछे। पक्का पता नहीं है, आप वैसे कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट मेरे हिसाब से तो शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। ऊपर गुप्ता पैलेस है तो उधर भी नुकसान हुआ है? उधर ये धुआं सारा गुप्ता पैलेस के अंदर जो है, धुएं से जो रेनोवेशन जितनी है सफेदी सुगुदी की, वो ब्लैक कलर हो गया उनका। अच्छा। हाँ जी, आप ये मेरे साथ ही थे जब आग लगी। अच्छा, आग लगी तब आप यहीं थे? जी जी। क्या देखा आपने? सर यहाँ तो सिर्फ धुएं का गुब्बार और आग ही आग थी, तो कम ज्यादा आग लगी, इतनी ज्यादा आग थी। अच्छा। और कम से कम भी आधा घंटा से ऊपर ही टाइम था जो फायर ब्रिगेड की नालायकी से ये काम हो गया सर। अगर फायर ब्रिगेड शायद टाइम पे पहुंच जाती तो ये इतनी नुकसान हमें भरपाई देखनी नहीं पड़ती है। ये बातें तो सारी ठीक है, अब ये अब इतना समय हो गया तो अब तक कौन से विभाग के कौन से अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? हमारे पास कोई विभाग नहीं आया हमें अभी तक मिलने। हमने इंश्योरेंस था? इंश्योरेंस मेरा नहीं, इंश्योरेंस नहीं दुकान का, इंश्योरेंस खत्म हो गया। अच्छा, कोई विभाग का कोई आप मांग करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? मैं मांग करना चाहता हूँ एलजी साहब से मांग करना चाहता हूँ। मुझे जानकारी के दौरान पता चला कि रेड क्रॉस भी इसमें कोई हेल्प कर सकता है। मैं डीसी मैम से यही मदद करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी लगी हुई थी आपके सामने है, बिल्कुल राख हो गई है, मेरी हेल्प की जाए कि मैं स्टार्टअप कर सकूँ दोबारा। यही मैं डीसी मैम से मांग करूँ। कितना नुकसान हुआ? लाखों का नुकसान हुआ है मेरा इसमें। कोई एस्टीमेट बता पाएंगे कितना? एस्टीमेट 7 से 8 लाख रुपए का मेरा जो मटेरियल का नुकसान होगा फर्नीचर छोड़ के। हाँ जी। और उसके अलावा? उसके अलावा बाकी कोई नुकसान हुआ मेरा? बाकी कपड़ों का आप? कपड़े का कपड़ा तो मेरा मटेरियल आ गया ना मेरा, जूस मटेरियल आप कपड़े में? हाँ, रेडीमेड सूट सब जल गए, बैटरी जल गई, फ्रिज जल गया, सैटी जल गई, कुर्सी जल गई, फर्नीचर जल गया सारा। 7-8 लाख आप टोटल कह रहे हैं? नहीं, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पूरा एस्टिमेट, मेरा 10-12 लाख रुपए से ऊपर नुकसान हुआ है। 12 लाख? हाँ जी। तो ये देखें, कुछ नहीं आपके सामने, 10-12 लाख का नुकसान हुआ है। और इस दुकान की हालत देखें आप, सब कुछ जल गया, तो जो बचा है तो वो ये बचा है, ये थोड़ा सा बच गया यहाँ पर, थोड़ा सा वहाँ पर है, लेकिन ये भी अब क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। लेकिन आप देखें कि कितना नुकसान है, सब कुछ कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। और अब तक कोई इनको मदद के लिए भी कोई नहीं आया, कोई विभाग भी नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे नहीं आई जो आकर इनसे पूछे कि आपकी दर्द तकलीफ है क्या और आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम ये कहेंगे, ये कह रहे हैं कि थोड़ी सुनी जाए, थोड़ी सुनवाई की जाए, इनको मदद की जाए ताकि ये वापस से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, वरना तो बहुत मुश्किल है। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।